टैंक सप्लाई के बीच मेदवेदेव का पश्चिम को डायरेक्ट संदेश, रूस के पास हथियारों की कमी नहीं। मेदवेदेव ने कहा, रूस के पास ऐसे घातक हथियार जो सर्वनाश कर देंगे। टैंक की गीदड़ भपकी से रूस डरने वाला नहीं, मेदवेदेव ने कहा। एक बात मैं ये जरा समझना चाहता हूं, ये टैंक्स की रट और टैंक्स पर स्टेटमेंट, क्या वाकई टैंक्स इतने बड़े गेम चेंजर इस समय की लड़ाई में है? जनरल सिवाज की चीजें टैंक्स के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, टैंक्स एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे जैसे स्प्रिंग आएगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी भी ऑफेंसिव मैन्यूवर टैंकों के दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ टेरेन पे बर्फ पड़ी हुई है, कीचड़ है। मगर जैसे ही मार्च आएगा, आप देखो टैंकों की लड़ाई, स्पेशली अगर कीव जीतना है रूस को, तो टैंकों से लड़ा जाएगा और इसी प्रकार से जब उसको डीप इनसाइड। मगर जो ये बैटल हो रही है डाउनबास की, ये एक बिल्टअप एरिया की बैटल है, इसमें टैंक का इतना बड़ा रोल नहीं जितना आरटी का ज़्यादा है। मगर जैसे जैसे स्प्रिंग आएगा, चाहे वो चैलेंजर 1 टैंक है या लेपर्ड 2 है या अब्राहम M1 है या T-90 है, इन सब का महत्व है। और लड़ाई टैंक, आप जो ये बता रहे हैं सर अपने दर्शकों के लिए, आपने कहा आर्टिलरी और टैंक्स, आर्टिलरी के अंदर ही टैंक्स, लेकिन टैंक्स जहां पर आमने सामने कोई इमारत ना हो, टेरेन प्लेन हो, वहां पर टैंक्स कारामद, लेकिन जहां पर बिल्टअप एरिया हो, मतलब जहां पर कुछ बना हुआ हो, स्ट्रक्चर्स हो, वहां पर आर्टिलरी का मतलब जहां से रॉकेट छोड़े जाएं और दूसरी जगह पर जाकर गिरे, क्या यही आप समझाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हाँ। जब बिल्टअप एरिया में टैंकों का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, मैन्यूवर नहीं कर सकते, आपको जब जहां 100-200 किलोमीटर इनसाइड जाना है अगर यूक्रेन के रूस को, तो उसके लिए टैंकों का इस्तेमाल करेगा। अगर यूक्रेन ने रूस का ये ऑफेंसिव मैन्यूवर तोड़ना है, तो उसके पास भी कारगर टैंक्स होने चाहिए। इसीलिए लेपर्ड 2 और ये जो चैलेंजर 1 और यह जो बात हो रही है अब्राहम M की, और अगर ये मिलते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है सर।